हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन मॉम रिव्यू में। तो आज मैं आपके सामने एक टॉडलर स्कूटर का अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेकर आई हूँ, जो कि छोटे बच्चों के लिए है। ये आप 3 से 12 साल के बच्चों के लिए है। तो चलिए हम जल्दी से खोल लेते हैं। तो ये जो स्कूटर है वो स्टार एंड डेजी ग्लाइडर टॉडलर स्कूटर है। ब्रांड का नेम है ये द स्टार एंड डेजी स्टोर, और ये मैंने अमेजोन से परचेस करा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये मैंने स्पाइडरमैन वाला कलर मंगाया है रेड और ब्लू में, और ये इसका मैनुअल दिया गया है कि इसमें बेसिकली ज़्यादा असेंबल करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें हैंडल को जोड़ना होगा। तो यहाँ पे ये तरीका बताया गया है कि कैसे हम इसे जोड़ेंगे। फ्रेंड्स, चलिए इसे हम असेंबल करते हैं, जिसमें मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करेंगे। तो मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगी, इस प्रोडक्ट का जो ब्रांड है उसका नाम है स्टार एंड डेजी, और इसका जो कलर मैंने ऑर्डर करा था वो ग्लाइडर रेड एंड ब्लू कलर है। बेसिकली इसमें 7 कलर्स हैं और सारे कलर्स बहुत ही प्यारे हैं, जिसमें से मेरे बच्चे को ये वाला कलर बहुत अच्छा लगा था। तो ये मेरे हस्बैंड सब तरफ चेक कर रहे सही है या नहीं प्रोडक्ट, नहीं तो फिर इसे हम रिप्लेस करेंगे। और ये जो स्कूटर है वो 3 से 12 साल के बच्चों के लिए है। ये गर्ल्स और बॉयज दोनों यूज कर सकते हैं। इसके व्हील्स में जो है LED लाइट्स लगे हुए हैं, और सबसे अच्छी बात है कि आप 12 साल तक के बच्चे यूज कर सकते हैं, यानी कि इसमें एडजस्टेबल इसके हैंडल्स हैं, जिससे कि आप इसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे बच्चे लंबे होंगे। तो चलिए हम इसे जल्दी से असेंबल कर लेते हैं, इसके हैंडल को असेंबल कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये ब्लैक वाले को पुश करके इसके हैंडल को ऊपर कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर जो रॉड है वो हम लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम ऊपर वाला ये खोल लेंगे। इसके 7 कलर्स हैं और 7 कलर्स बहुत ही प्यारे हैं। मैं इसका प्राइस बता देना चाहूंगी, इसकी प्राइस है 2899 रुपीज की है। बाकी सारे कलर्स में 50-100 रुपया कम बेसी है। तो ये वाला जो है यहाँ पे इसे हम लॉक कर लेंगे, लगा लेंगे अंदर। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो है अलग अलग लेवल्स में आप एडजस्ट कर सकते हैं हाइट को, मैं उसके बारे में भी बताऊंगी आगे आपको। तो यहाँ पे हम हैंडल को इस तरह से लगा लेंगे, जिससे कि हैंडल की जो है साइज छोटा बड़ा हो जाएगा। कलर्स इसके बहुत ही, सारे कलर्स बहुत ही प्यारे हैं। गर्ल्स के लिए भी बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स इसमें डाले गए हैं, इस वाले प्रोडक्ट में। ये गिफ्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मेरे बच्चे का बर्थडे था तो ये हमने गिफ्ट करा है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कैसे प्रेस करते हुए इसकी हैंडल नीचे जा रही है। इसकी हाइट बढ़ाने या घटाने में हमें कुछ भी चीज़ ऐसा, कोई नट या कोई स्क्रू ड्राइवर इस तरह का कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाला, ये हाथ से ही हो जाएगा। तो ये अच्छे से इसे हमें टाइट से कस देना है, लॉक लगा देना है टाइट से। तो गाइज, इसके 5 लेवल्स है हाइट बढ़ाने के। तो यहाँ पे मैंने सबसे छोटा वाला लेवल किया है, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो है ये सबसे छोटा लेवल है। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे की हाइट बढ़ते जाएगी, आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कर सकते हैं। ये जो फुल हाइट है वो 77 सेंटीमीटर की है। इसी तरह से आप धीरे धीरे जब हाइट बढ़ाएंगे तो उसका जो वो जाएगा 97 सेंटीमीटर तक ये मैक्सिमम जाएगा। तो गाइस, इसकी जो चौड़ाई है वो है 14 सेंटीमीटर की, और आगे व्हील से लेके पीछे व्हील्स की जो लंबाई है वो है 62 सेंटीमीटर की, और जो आगे का जो 2 व्हील्स है उसकी चौड़ाई है, बीच की जो चौड़ाई है वो है 32 सेंटीमीटर की। और इस फुल बॉडी का जो वेट है, स्कूटर है उसका जो वेट है वो 3.5 kg की। इसकी जो व्हील्स की जो चौड़ाई है वो काफी ज्यादा अच्छा है, चौड़ा है, और जिस तरह से ये जमीन पे रब होगा वैसे ही ये LED लाइट इसकी जलेगी, जैसा कि आप देख पा रहे हो। मैं एक बार जूम कर देती हूँ आपको, ये देखिए ये लाइट जल रही, जो कि जब आप अंधेरे पे भी चला रहे हो, बच्चे चला रहे हो तो बहुत ही शाइनी और बहुत ही अच्छा दिख रहा होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हैंडल है ये दोनों साइड में टर्न होता है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने पैर रखा है, तो उसके वेट के हिसाब से वो इस तरह से दोनों साइड टर्न होता है, जो कि बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। इसे उतर के बच्चों को टर्न नहीं करना होगा, चलते चलते ही वो टर्न हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए लॉक को, आगे का जो लॉक है उसको प्रेस करते हुए हम इसे आराम से इसे फोल्ड करके कहीं भी टेबल के नीचे या फिर कहीं भी आराम से इसे रख सकते हैं, और जब यूज़ करना होगा तो उसे हम उठा सकते हैं। तो चलिए इसे हम फिर से एक बार स्टैंड में लगा देते हैं। ये देखिए, ये उठ चुका है। तो फ्रेंड्स, इसकी एक और सबसे अच्छी स्कूटर की फीचर क्या है मैं आपको बताना चाहूंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये ब्रेक है, मतलब बच्चे अगर पैर से चला रहे हैं और उसे कहीं रोकना है तो उसे दूसरा पैर स्पीड में उतरने का जरूरत नहीं है। आप उसे हील से या फिर एड़ी से अगर आप प्रेस करोगे, बच्चे प्रेस करेंगे तो वो जो है स्कूटर हमारा रुक जाएगा। मैं एक बार डेमो दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरे हस्बैंड ने पीछे प्रेस करा है तो स्कूटर आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये एक इसमें ब्रेक का भी फीचर्स है। इसमें जो पैर रखने वाला जो पार्ट बना वो काफी ज्यादा वाइड है, कि चौड़ा है, मतलब बच्चे का जो पैर जो है वो बहुत ही अच्छे से रखा जाएगा, काफी ज्यादा मजबूत है और
वेट भी इसकी अच्छी है, 3.5 केजी की है। इसमें मैक्सिमम वेट के जो बच्चे चढ़ सकते हैं वो है 70-80 केजी के बच्चे इसमें चढ़ सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो बड़े जिनका वेट थोड़ा कम है यानी 60 केजी भी है तो बड़े लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो फीचर है ना एलईडी लाइट जो व्हील्स में जल रही होती है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। आगे का तो दोनों में जल ही रहा था, ये पीछे का जो ब्लैक वाला जो छोटा व्हील है उसमें भी जल रहा है, तो बहुत अमेजिंग लग रहा है। तो अगर आप अंधेरे में रात में चला रहे हो तो इस तरह से एलईडी जलेगी, जैसे ही फ्रिक्शन होगा वैसे एलईडी जलने लगेगी। और इसका जो मटेरियल है वो अलॉय कास्टिंग है। प्रोडक्ट बहुत ही जानदार है, बहुत हैवी है और बहुत ही सॉलिड प्रोडक्ट है अगर बोला जाए तो। तो फ्रेंड्स ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू इस प्रोडक्ट को लेके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आपको ये परचेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप नई भी खरीद रहे हो तो कम से कम एक बार आप चेकआउट जरूर कर सकते हो, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे गिफ्टिंग ऑप्शन है। हर बच्चे को ये वाला जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कॉन्फिडेंस जागता है और बच्चे में थोड़ा सा निडरता आती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।